अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फैजी टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम किस तरह एक बेसिक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। तो बेसिक मेन्यू के लिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम 2 पेजेस बनाए थे, तो हम उन पेजेस की ये जो इंटरलिंकिंग है उसको ख़त्म करते हैं और हम आज बढ़ते हैं बेसिक मेन्यू की तरफ। तो सबसे पहले कम से कम हमारे पास 5 पेजेस होने चाहिए जिनके अंदर हम यानी बेसिक मेन्यू बना सकें। अच्छा, हम इनको इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और कंट्रोल एन करके सेव करके पहले कंट्रोल पर एन करते हैं और इसी के अंदर हम पेज कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे हम दूसरे पेज का नाम देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं, यानी कोई बंदा हमसे रब्ता करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक और जो चीज़ है वो कर लें तो वो बेहतर होगा बजाय इसके। अच्छा, हम सबसे पहले मेन्यू ही क्रिएट कर लें, उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि फिर हमने हर पेज के अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको देख सकते हैं, हम यहाँ पे इसे सेव करते हैं इसको और आपको रीलोड करके दिखाते हैं। अभी जो हमारी साइट है वो हमें ऐसी नज़र आ रही है। तो हम मेन्यू ज़्यादातर इसके नीचे होते हैं, यानी आपके जो टाइटल होता है इसके नीचे, तो हम इसके नीचे मेन्यू क्रिएट करते हैं। फैजी टेक जो लिखा हुआ है, हम ऊपर जाते हैं, ये हमारे पास बॉडी के अंदर लिखा हुआ है सेंटर, और इसके अंदर ये यहाँ पे बॉडी को हम जो होता है लास्ट में क्लोज करते हैं। ये देखिए बॉडी यहाँ क्लोज होती है ज़्यादातर। अच्छा, हम सेंटर के नीचे यहाँ पे हम मेन्यू क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे सेंटर मौजूद है, तो उसके बाद हम एक और सेंटर यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा मेन्यू है वो ठीक टाइटल के, यानी जो हमने टाइटल दिया उसके नीचे आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हमें देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हम फ़ॉन्ट साइज़ ये रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से मेन्यू स्टार्ट करते हैं। तो मेन्यू स्टार्ट करने के लिए ए, उसके बाद एच रेफरेंस देंगे, और उसके बाद हमारा जो सबसे पहले जो हमारा पेज होगा वो होगा होम, क्योंकि अब हम होम में मौजूद हैं, तो होम के लिए हम यहाँ पर सिर्फ हैश यूज़ करेंगे ताकि वो बंदा कहीं पर भी रिडायरेक्ट ना हो सके। अच्छा, होम के लिए सिर्फ ये हमने यूज़ किया, उसके बाद होम, और इसके साथ ही हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन्यू होम का क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम दूसरा मेन्यू जो है इसी सेंटर के अंदर हम यूज़ करेंगे, वो है जी, हम चाहते हैं कि दोबारा जो हो हमारा वो अबाउट का सेशन हो, तो हम इसी तरह इज इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर about.html लिखेंगे, तो हम उसका यानी उसका रेफरेंस देंगे जो हम उसका नाम है पेज का, और उसके बाद हम यहाँ पे अबाउट लिखेंगे और हम इसी तरह इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा, ये देखें आप, एक ये मेन्यू बनता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम जो है ये कि HR कंपनी पर यूज़ की हुई है, तो HR हमें इसके बाद यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे हम सेंटर को क्लोज़ करते हैं नीचे, यहाँ पे सेंटर क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे नीचे हम HR यूज़ करते हैं सेंटर से पहले, सेंटर क्लोज होने से पहले हम यूज़ कर लेते हैं। और हम अब आप देख सकते हैं, ये देखें अब हमारा मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अगर आपको भी लगता है कि यहाँ पे दोनों यहाँ स्पेस कम है, तो स्पेस को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे एक टैग यूज़ कर सकते हैं। लाइन ब्रेक यूज़ करेंगे तो आपको वो नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पे यूज़ करें कैंट नॉन ब्रेक्स, यानी NBSP लिखेंगे, नो ब्रेक स्पेस, ऐसे कुछ इसका ऑब्जर्वाइजेशन है। तो ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे फासला बढ़ चुका है। इस तरह जितनी बार आप यूज़ करेंगे तो ये फासला उतनी बार यूज़ होगा, ये उसी तरह ये शो नहीं होता। सेव किया, रिलोड किया, तो ये फासला बढ़ गया। अच्छा, ये देखें होम के जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ हैश नज़र आएगा, यानी ये आप ही रहे, और अबाउट में जाएंगे तो ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अब हम अबाउट के अंदर ये पेज बनाते हैं, इसी चीज़ को मैंने वो इसलिए आपको कहा है कि हम कॉपी करते हैं और अबाउट में लेके जाएंगे इसी तरह। अच्छा, अब यहाँ आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे आपने देना है home.html और अबाउट को सिर्फ हैश करना है। अबाउट को यहाँ पर आपने हैश कर देना है ताकि अब वो बंदा कहीं पर दोबारा अबाउट भी रिडायरेक्ट ना होता रहे, तो वहीं पे रहे। अच्छा जी, अब रिलोड करते हैं हम, ये देखें होम पे यही अबाउट। अच्छा,
यहाँ पे हमने लाइट ब्लू कर दिया सर, चीज़ ग्रीन हम करते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा ये दोबारा जी साइड पे आए, होम पे चले गए, अबाउट पे चले गए, अबाउट पे जाएंगे तो वहीं रहेंगे और होम पे जाएंगे तो ये। अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पे भी अबाउट लिख देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह हम यानी बेसिक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह हम बेसिक साइट भी हम क्रिएट करेंगे। तो हम मेन्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बेसिक साइट क्रिएट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस तरह मुख्तलिफ पेजेस बना के और आगे फिर उनके रेफरेंस देते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उस पर हम बेसिक साइट ज़रूर।